स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद द्विवेदी ने बताया कि 13 जून को महासंघ द्वारा महाट्विटर अभियान प्रारंभ किया गया था, जिसमें प्रदेश के समस्त जिलों एवं विकास खंड से साथियों पूरे मनोयोग के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपना ज्ञापन पत्र स्वयं ट्वीट के माध्यम से ज्ञापन पत्र सौंपा गया। 13,763 लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन पत्र सौंपा है। प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद द्विवेदी ने बताया कि हम तत्काल अपनी अगली रणनीति प्रांतीय बैठक लेकर के और तय करते हैं। किसी भी स्थिति परिस्थिति में हमें अपनी पुरानी वरिष्ठता और पुरानी पेंशन सरकार से लेना है। मध्य प्रदेश के मेरे प्रिय सम्माननीय साथियों, मातृशक्तियों, अभी आप सभी के पूर्ण सहयोग से पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन महासंघ की प्रथम महासंग्राम का युद्ध प्रारंभ हुआ और उस युद्ध में हमारे जिलों के समस्त साथियों ने चढ़ बढ़ करके अपनी अहम भूमिका अदा की। 13,763 माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ट्वीट हुए और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी ने ज्ञापन पत्र ट्वीट किया। ज्ञापन पत्र में समस्त समस्याएं लिखी हुई थीं, शिक्षा गारंटी शाला के गुरुजियों की, अपनी पुरानी वरिष्ठता की और सरकार के द्वारा जो जनवरी 2005 से नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, किसी भी विभाग के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन जो बंद कर दी गई थी उसकी बहाली के लिए सब कुछ बात उस ज्ञापन पत्र में हमने लिखने का प्रयास किया था। और सबसे बड़ा कार्य यह हुआ कि लोगों ने वही ज्ञापन पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ट्वीट किया। इससे यह फायदा हुआ कि हम सभी ने मिल करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन पत्र दिया। निश्चित बात है कि हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और इस पर शासन का विशेष ध्यान आकर्षित होगा और ध्यान आकर्षण के लिए ये बहुत बड़ी एक मुहिम हमारे प्रदेश के संगठन के द्वारा प्रदेश स्तर में चलाई गई और बहुत सफल रहा। इसी प्रकार हम प्रयास अपना कर रहे हैं कि अब जिला स्तर पर सभी जिलों के लोग आपस में एकत्रित होकर के श्रीमान कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन पत्र देंगे। अब ये कार्यवाही लगातार चलती रहेगी और जैसे ही यह महामारी से कुछ अपने को निजात मिलती है तो हम सीधा माननीय मुख्यमंत्री महोदय सरकार से विधिवत अनुमति लेकर के आंदोलन करेंगे। यदि सरकार हमारे निवेदन को, अनुमेय विनय को नहीं सुनती है तो महासंघ आंदोलन करेगा। पुरानी पेंशन हमको लेकर ही रहना है, जीवन का आधार है। पुरानी पेंशन हमारे जीवन का आधार है, 62 वर्ष की सेवा का एक प्रतिफल है, इसको नहीं छोड़ना है। जो साथी हमारे बीच के कुछ नहीं समझ रहे हैं क्या है पुरानी पेंशन, वो समझ जाए इस बात को कि मित्रों 62 वर्ष की सेवा का एक प्रतिफल है। 40 वर्ष तक लगन निष्ठा ईमानदारी पूर्वक आपने प्रदेश की सेवा की है और प्रदेश की सेवा करने का 40 वर्ष बाद जब आप असहाय हो गए, 62 वर्ष बाद
आपको पैसे की आवश्यकता हुई उस समय नई पेंशन योजना के तहत मिलने वाली जो राशि है वह बहुत कम, इसलिए हमको पुरानी पेंशन लेना है और जिंदा लेना है, मरने पर नहीं। हम मर गए तो क्या मालूम किसी को मिलती कि नहीं मिलती, भगवान जाने। हमको अपने जीते जी पुरानी पेंशन लेना है। सब कोई मन में विश्वास रखिए, दृढ़ संकल्प करिए और एक हो जाइए, संग संग खेलते रहिए। बाद में संगठन का खेल बंद, केवल एक संघ, मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन महासंघ। 18 संगठनों का समर्थन है, असमर्थन ऐसे नहीं मिला। उन्होंने वचन दिया है कि हम महासंघ की रैली में, धरना में, प्रदर्शन में सबसे आगे रहेंगे, सबसे आगे चलेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के आदेशानुसार हम महासंघ को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित बात है आप सबको महासंघ विश्वास दिलाता है इस बात का। हम सब वचन लेते हैं कि हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे, पर बिना संघर्ष के नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष में ही सफलता मिलती है, बिना संघर्ष किए घर में बैठे कुछ नहीं मिलता। कि आप सोचे कि हम घर में बैठे रहे वो जाएगा, इस तरह दूसरा भी सोचता होगा कि वो जाएगा, तीसरा सोचता होगा वो जाएगा। हमको जाना है और अकेले नहीं, परिवार के साथ जाना है। एक व्यक्ति अकेले जब कभी भी आंदोलन हम करेंगे, आगाज करेंगे, उस समय अकेले कोई नहीं आएगा, अपने परिवार के साथ आएगा। और 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन तक हमारी मांग सरकार नहीं मानती है, पूरी नहीं करती है, तब तक अपने को भोपाल में ही डटे रहना है, भोपाल से नहीं आना, राजधानी में ही रहना है। मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ, आप लोगों ने अच्छा महासंघ के निर्देशों का, जो कार्यकारिणी के द्वारा निर्देशित किया गया था ट्विटर अभियान, उसे आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया और जितना आप लोग ज़्यादा ज़्यादा हो सका उतना आप लोग ने दूसरे से भी ट्विटर करवाए, बड़ी खुशी हुई। मैं अपने सभी जिलाध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी, जिला महासचिव, जिला संयोजक को आत्मिक बधाई देता हूं और उनसे आशा करता हूं कि महासंघ का इसी प्रकार आप लोग चढ़ बढ़ करके सहयोग करिए। एक ही संघ है, जय महासंघ, जय महासंघ, जय महासंघ।